नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज के इस एपिसोड में कुछ खास होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं सेमल की। सेमल जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेमल का पेड़ है और इसकी जो इसमें जो फल आता है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कांटेदार पेड़ है इसमें क्या क्या खासियत है इसकी, और इसको अगर आप अपने खेत के मेड़ों पर लगाते हैं तो सेमल के द्वारा इससे आप कितना लाभ कमा सकते हैं और कितनी आपके लिए फायदेमंद इसको लगाना हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सेमल से होने वाले लाभ की। अगर आप इसको खेत के मेड़ों पर लगाकर इसको लगाते हैं, बागवानी करते हैं, तो फिर आपको कितना लाभ होगा, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, एक बार फिर सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसमें कि हम इस पेड़ के विषय में बात करने वाले हैं। ये सेमल का पेड़ है जो कि कांटोदार पेड़ होता है। आप देखने देखा होगा, आपके आसपास भी बहुत पेड़ इसके ऐसे देखने को मिले होंगे, लेकिन कभी आपने इसके व्यावसायिक रूप से बात करने की नहीं सोची होगी। अगर आप इसको व्यावसायिक रूप से लेना चाहें तो इसकी लकड़ी और इसके आने वाले फल सब बहुत ही कीमती हैं। अगर इसके द्वारा आप बगीचा लगाकर और इसको जैसे लिप्टिस का यूकलिप्टिस के पेड़ पॉपुलर लगाया जाता है, वैसे ही अगर आप सेमल को भी लगाते हैं व्यावसायिक तरीके से तो इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फलों की इसके जो आते हैं रेड कलर के फूल, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, मार्केट में बिकता है। वहीं इसके से निकलने वाला उत्पादन एक होता है बीज, दूसरा इसका होता है सेमल की रुई, कॉटन जिसको बोलते हैं, फाइबर इससे बनता है, ये बहुत उपयोगी है। सेमल की रुई का तकिया आपने देखा होगा मार्केट में बिकता है, हल्का होता है और वहीं स्वास्थ्य के लिए और सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सर्वाइकल वाले जो सेमल की रुई का तकिया इस्तेमाल करते हैं, बहुत हल्का और मुलायम सॉफ्ट होता है। इस प्रकार से इसकी रुई भी आप बेच सकते हैं, कॉटन बनाकर उसके साथ बीज भी बेच सकते हैं। और ख़ास तौर से किसान भाइयों, अगर आप सेमल को अपने खेत के मेड़ों पर लगा रहे हैं तो इसके द्वारा आप लकड़ी को मंडी में बेचकर व्यापारियों के पास, इसकी लकड़ी का जो उपयोग होता है वो छोटे छोटे डिब्बे बनाने के काम आता है, वहीं प्लाईवुड बनाने के काम आता है, पैकिंग के समय में छोटे गत्ते बनाने के काम आता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेमल का ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये बहु उपयोगी पेड़ है। और इसकी बागवानी, इसकी आप खेत के मेड़ों पर इसकी आप लगा रहे हैं इसको पौधे के लिए, तो फिर इसके द्वारा आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। सेमल के पौधों को खेत के मेड़ पर लगा करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये अगर आप नर्सरी इसकी तैयार करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि नर्सरी को जब तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको खाद की आवश्यकता होती है। उचित खाद डालकर बीजों के द्वारा आप नर्सरी तैयार करके और 6x6 की क्यारियाँ बनाकर दूरी के हिसाब से आप इस पौधों को लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, जिसके द्वारा आने वाले समय में 8 से 10 सालों में आपके पेड़ बड़ी लंबाई तेजी के साथ बढ़ते हैं और अच्छा खासा ये कि छोटे प्लांट से एक अच्छा खासा वृक्ष बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये लगभग 5 से 6 सालों का पेड़ है और इसकी मोटाई और लंबाई आप इस पेड़ की देख सकते हैं, किस तरह से ये पेड़ फल रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तेजी से बढ़ने वाला सेमल का पेड़ है। इसको आप अगर खेत के मेड़ों पर लगाते हैं तो बहु उपयोगी के रूप में इस पेड़ को आप इस्तेमाल भी खुद भी कर सकते हैं और साथ ही इसको मार्केट में आप कॉटन फाइबर जो इससे प्राप्त होता है वो भी आप इसको मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, वो है ना, सेमल की खेती करना या बागवानी करना या फिर खेत के मेड़ों पर लगाना एक डबल मुनाफे का सौदा, क्योंकि लकड़ी भी आप इसकी बेच सकते हैं, इससे द्वारा निकाला गया फाइबर भी आप बेच सकते हैं, वहीं इसके बीजों को भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेमल के पेड़ों को आप अगर तादाद में, आप मान के चलिए अगर आप 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं तो आप 200 से और 290 पेड़ों के आसपास आप इनको लगा सकते हैं, जिसके द्वारा एक अच्छा बगीचा बनकर तैयार हो जाएगा और आपके लिए आर्थिक स्थिति सुधारने में सेमल काफ़ी मदद कर सकता है। तो बने रहें, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो फिर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और जानकारी को साझा करें। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कृषि जागरण के माध्यम से आपको सहायता मिली है।